हाथरस के जीआरपी हाथरस पुलिस ने शातिर चोर के पास से चोरी का मोबाइल बरामद करते हुए चोर को जेल भेजा। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश संजय सिंघल और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे इलाहाबाद वीआर मीना के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में हाथरस जीआरपी पुलिस को मिली सफलता। आपको बता दें, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के साथ आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश संजय सिंघल और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे इलाहाबाद वीआर मीना के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत हाथरस सिटी जीआरपी प्रभारी सोनू राजौरा ने 23 अक्टूबर की रात्रि में यात्री के साथ टिकट काउंटर पर टिकट बुक कराते समय हुई मोबाइल चोरी की घटना के मामले में जीआरपी हाथरस पुलिस ने मौसमी पुत्र मुन्ना खान निवासी काशीराम कॉलोनी थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा को गिरफ्तार किया। जीआरपी पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल बरामद करते हुए यात्री के साथ हुई मोबाइल चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए शातिर चोर को जेल भेज दिया है। पीएलएल न्यूज के लिए हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, आज आपके द्वारा किस घटना का खुलासा किया गया? कल हमारे यहाँ रात में एक यात्री आया था, जो पास में जाना था, रास्ते में गाड़ी निकल गई, तो हमारे यहाँ बुकिंग दे दिया। उसका रात को लगभग 3-4 बजे के करीब में उसने आके उसका मोबाइल चोरी कर लिया और चोरी करके चले गए। सुबह को जब उनकी 6 बजे करीब आंख खुली तो उन्होंने का मोबाइल लाया, वो जब उठा के देखा है तो उठा के 10:30 बजे सूचना दी, जिस पर हमारे यहाँ पंजीकृत किया गया। हमने चेक किए, उसमें चोरी करते हुए देखा गया। सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर इसको गिरफ्तार की गई है? जी जी, उसके आधार पर इसको किया गया और चंद घंटों के बाद मैंने इनसे गिरफ्तार किया और मोबाइल।